एवरीवन, दिस इज मनस रंजन गौड़ा। आई एम ए कंप्यूटर टीचर इन ओडिशा आदर्श विद्यालय पाकिड़ हिल सरगढ़ गंजाम। टुडे आई एम हियर टू टीच यू क्लास 7th आईसीटी चैप्टर 3 विच इज योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड दिस इज योर पार्ट 6 वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू इंसर्ट ए टेबल एंड हाउ टू इंसर्ट रोज एंड हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स। ओके, हाउ टू input text in the table and how to delete the row and columns, okay, and how to design a table, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, टू इंसर्ट टेबल्स ऑन ए पेज, लेट्स सी द स्टेप्स। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द टेबल। जहाँ पे टेबल इंसर्ट करना चाहते हो पेज में, वहाँ पे पहले हम इंसर्शन पॉइंट को रखेंगे। देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन होता है, देन क्लिक ऑन द टेबल कमांड, देन ओवर द माउस ओवर द डायग्राम स्क्वायर टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोस और कॉलम्स यू वॉन्ट टू इंसर्ट। क्लिक योर माउस, देन द टेबल विल अपीयर। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज द इंसर्ट टेबल कमांड to insert the tables with specific number of rows and columns. So table command होता है insert tab में। यहाँ पे हम click करेंगे तो यहाँ पे कुछ boxes दिखाई देगा। जितना boxes हम select करेंगे उसी हिसाब से हमारा number of rows and columns को लेकर table insert हो जाएगा। या फिर यहाँ पे हमारा insert table command है, वो insert table command में जाकर भी हम table insert कर पाएंगे। okay? तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ पे टेबल कमांड है, तो टेबल कमांड में जाकर हम यहाँ पे देखो कुछ बॉक्सेस दिखा रहा है। हम जितना एरिया तक उसको माउस को मूव करते रहेंगे उतना एरिया तक जितना रो एंड कॉलम सिलेक्ट हुआ उसी हिसाब से हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा हमारा पेज के ऊपर। या फिर हम इंसर्ट टेबल में जाकर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल में हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो मेंशन करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ कॉलम 5 है एंड नंबर ऑफ रो 2 है। सपोज मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स इंसर्ट करना चाहता हूँ और 4 रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 एंड 4 मेंशन किया, देन ओके। तो देखो यहाँ पे 4 रो एंड 3 कॉलम मेरा इंसर्ट हो गया है। ओके, सपोज हियर यू वॉन्ट टू राइट एनी थिंग, देन राइट हियर। Suppose here I want to write the roll number. Sorry. Roll number. Then press the tab key or arrow key to move to the next cell. Here I want to write the name. Then class. Again here I want to write the roll number of some students, suppose 601. Then suppose the name is Anil and the class is 6th. You can move from one cell to another cell through the arrow key. There is 4 arrow keys are in the keyboard, left, right and top button. Using this 4 arrow key you can move anywhere in the table. Then next roll number 602, this is Sunil, then class 6th, then another name, roll number 603, this is Rajesh and section is 6. Like that way you can write anything in the table. Okay. To insert row in a table, एक existing table में एक नया row हम कैसे insert करेंगे अभी देखेंगे। Place the insertion point on the row where you want to insert a new row. तो जो row के आगे या पीछे, मतलब top या bottom में हम एक नया row insert करना चाहते हैं, पहले वो row पे mouse रखेंगे या फिर वो row को हम select करेंगे। Then right click on the mouse, a menu will appear. Then select the insert and then insert row above or insert the row below option where you want to insert the row. तो जब हम उसमें राइट क्लिक करेंगे तो एक इंसर्ट ऑप्शन आएगा। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर इंसर्ट रो अबव और इंसर्ट रो बिलो दो ऑप्शन होगा। तो हम अगर ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं रो
सिलेक्टेड रो का ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट रो अबव चूज करेंगे, और सिलेक्टेड रो का बिलो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट रो बिलो सिलेक्ट करेंगे। ओके, इसी तरह तो जो रो में अगर हमको एट टाइम दो रो इंसर्ट करना है तो दो रो भी हम सिलेक्ट करके कर सकते हैं, टॉप में दो रो इंसर्ट होगा या फिर बॉटम में दो रो इंसर्ट होगा, मल्टीपल रो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करने से यहाँ पे इंसर्ट कमांड आएगा, देन इंसर्ट कमांड के अंदर यहाँ पे आएगा इंसर्ट रो अबव या फिर इंसर्ट रो बिलो, ये दो ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। सपोज हियर आई वांट टू इंसर्ट ए रो आफ्टर द रोल नंबर 602 एंड 603 जो रोल नंबर है जो स्टूडेंट है उनके बीच में एक रो में इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो पहले मुझे 602 मतलब थर्ड नंबर रो में मुझे माउस को रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पे रखा अभी, देन यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक देन इंसर्ट कमांड इज देयर, देन उसके नीचे मुझे रो चाहिए तो इंसर्ट रो बिलो, अगर ऊपर चाहिए होता तो इंसर्ट रो अबव सिलेक्ट करता। देखो अभी मुझे यहाँ पे नीचे रो आ गया, इसी तरह हम रो इंसर्ट कर पाएंगे। ओके, इसको अंडू कर देते हैं, अभी मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अंडू, तो फिर से वो रिमूव हो गया। टू इंसर्ट कॉलम्स इन ए टेबल प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द रो वेर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द न्यू रो और सॉरी न्यू कॉलम। तो जो कॉलम के पास हम एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, मतलब वो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या फिर इंसर्शन पॉइंट को वहाँ पे रखेंगे। देन राइट क्लिक ऑन द माउस, ए मेन्यू विल अपीयर, देन सेलेक्ट द इंसर्ट कमांड, देन इन द इंसर्ट कमांड देयर इज ए सब मेन्यू इज विल अपीयर एंड फ्रॉम द सब मेन्यू यू कैन गेट द ऑप्शंस इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम टू द राइट, जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं लेफ्ट साइड में या राइट साइड में उसी हिसाब से उसका ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, लेट्स सी हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स। सपोज आफ्टर द नेम कॉलम आई वॉन्ट टू इंसर्ट अनदर कॉलम, तो आई हैव टू प्लेस द इंसर्शन पॉइंट ऑन द नेम कॉलम। तो नेम कॉलम में मैंने अपना इंसर्शन पॉइंट रखा है यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा अभी, राइट क्लिक देन इंसर्ट देन कॉलम्स टू द लेफ्ट कॉलम्स टू द राइट, तो राइट साइड हमको इंसर्ट करना है देन कॉलम्स टू द राइट, तो कॉलम इंसर्ट हो गया। अच्छा, इसको हम अंडू कर लेते हैं। सपोज हम देखेंगे मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। सपोज मैं दो रो कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं दो कॉलम सिलेक्ट करूँगा अभी, शिफ्ट को पकड़ के हम यहाँ पे दो कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। दो कॉलम अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ओके देन इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट। देखो यहाँ पे दो कॉलम इंसर्ट हो गए क्योंकि मैंने दो कॉलम सिलेक्ट किया था, तो जितना कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे उतना कॉलम हमारा एट ए टाइम इंसर्ट हो पाएगा। सिमिलरली रो भी हम उतने टाइप का इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, टू डिलीट रो और कॉलम इन ए टेबल सेलेक्ट द रो और कॉलम यू वॉन्ट टू डिलीट। आप एक साथ एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं या एक रो को या फिर मल्टीपल कॉलम रो को भी डिलीट कर सकते हैं। तो जितना रो और जितना कॉलम आप डिलीट करना चाहते हैं पहले आपको उतना रो या कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन राइट क्लिक ऑन द माउस, ए मेन्यू विल अपीयर। राइट क्लिक करने के बाद जितना हमने सेलेक्ट किया है उसके कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू दिखाई देगा। फ्रॉम दिस मेन्यू सेलेक्ट द डिलीट सेल ऑप्शन, वहाँ पे डिलीट सेल ऑप्शन क्लिक करेंगे। देन इन द डिलीट सेल, व्हेन वी क्लिक ऑन द डिलीट सेल ऑप्शन ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड सेलेक्ट द डिलीट एंटायर रो और डिलीट एंटायर कॉलम इन द डायलॉग बॉक्स देन क्लिक ऑन ओके। तो इसी तरह एक डायलॉग बॉक्स आएगा, हम जब डिलीट कमांड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम डिलीट एंटायर रो या फिर डिलीट एंटायर कॉलम सिलेक्ट करके उसको ओके करेंगे, तो जितना रो हमने सिलेक्ट किया है उतना रो डिलीट हो जाएगा और कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे हाउ टू डिलीट रोस एंड कॉलम्स। सपोज ये जो 601 स्टूडेंट है उसका डाटा को मैं रिमूव कर देना चाहता हूँ, ये रो को मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे? तो इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे। अगर हम एट ए टाइम दो रो को डिलीट करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे, तो दो रो को मुझे एट ए टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दो रो को सिलेक्ट किया, तो इसको हम डिलीट कैसे करेंगे? राइट क्लिक डिलीट सेल्स देन डिलीट एंटायर रो। ओके, तो यहाँ पे वो जो दो रो को हमने सिलेक्ट किया था वो दो रो
डिलीट हो गया है। उसी तरह हम कॉलम को भी डिलीट कर पाएंगे। सपोज ये क्लास कॉलम मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्लास कॉलम पे कहीं पे भी हम इंसर्शन पॉइंट को रखेंगे, देन वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन डिलीट सेल्स, देन डिलीट एंटायर कॉलम, ओके। तो अभी मेरा क्लास कॉलम भी डिलीट हो गया है। ओके, टू अप्लाई स्टाइल टू ए टेबल, टेबल में कुछ फॉर्मेटिंग सम अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। क्लिक एनी वेयर ऑन द टेबल, टेबल का कहीं पे भी हम क्लिक कर सकते हैं या फिर होल टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब में क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द टेबल स्टाइल ग्रुप, देन सेलेक्ट द डिज़ाइन टेबल स्टाइल, जो स्टाइल हमको चाहिए। ओके, तो डिज़ाइन टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको डिफरेंट डिज़ाइन दिखाई देता है, इसमें से जो डिज़ाइन हमको चाहिए वो डिज़ाइन हम चूज कर सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे टेबल में कैसे स्टाइल अप्लाई किया जाता है, डिज़ाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो टेबल का कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे या फिर होल टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने से मेरा होल टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे डिज़ाइन टैब में आएंगे, ये मेरा 2016 वर्सन है, इसके लिए डिज़ाइन टैब में मुझे टेबल डिज़ाइन मिल रहा है, या फिर हम अगर 2010 वर्सन होता तो यहाँ पे हम फॉर्मेट टैब में जाकर टेबल डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल है, इसमें से जो डिज़ाइन हमको चाहिए वो डिज़ाइन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरा डिज़ाइन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, टू अप्लाई बॉर्डर टू अ टेबल, तो इसी तरह हम टेबल में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, होल टेबल को बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई सिंगल रो या फिर सिंगल सेल में भी बॉर्डर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू अप्लाई द बॉर्डर, अगर सिंगल सेल में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेल को सिलेक्ट करेंगे, रो में अप्लाई करना चाहते हैं सेल्स को, मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, या फिर टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल द सेल, सभी सेल को एट ए टाइम सिलेक्ट करेंगे, मतलब होल टेबल को सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब एंड सिलेक्ट द डिज़ाइन लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ एंड पेन कलर, क्लिक द बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो, देन सेलेक्ट द डिज़ाइन बॉर्डर टाइप। अभी हम देखेंगे टेबल में कैसे बॉर्डर अप्लाई किया जाता है। तो कोई भी सेल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देन डिज़ाइन टैब में यहाँ पे भी जाएंगे, देन यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल से बॉर्डर स्टाइल में सिलेक्ट करूँगा कौन सा टेस्ट स्टाइल का बॉर्डर चाहिए, देन यहाँ पे बॉर्डर का थिकनेस में चूज करूँगा। ओके, देन यहाँ पे भी बॉर्डर का स्टाइल चूज करूँगा, पेन कलर यहाँ पे कलर चूज करूँगा कौन सा कलर मुझे चाहिए। ओके, देन मेरे पास अभी एक पेंसिल है तो मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ पे बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ओके, जो जो एरिया में मैं क्लिक करूँगा, जो जो सेल के ऊपर, वहाँ पे बॉर्डर मेरा चेंज होगा। ओके, अगर होल टेबल में चाहिए या कोई सिंगल सेल में चाहिए तो उसी तरह हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पे भी बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे भी हम बॉर्डर दे सकते हैं। ओके, तो ऑल बॉर्डर हमने यहाँ पे चूज किया क्योंकि सिलेक्शन जहाँ पे था वहाँ पे आ गया। अगर हम होल टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर चूज करते हैं तो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर या फिर नो बॉर्डर, तो सारे बॉर्डर जो है वो हट जाते हैं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर देते हैं तो सभी सेल में बॉर्डर एट टाइम आ जाता है। ओके, ओनली आउटलाइन बॉर्डर, ओके ओनली इनसाइड बॉर्डर, तो इसी तरह बॉर्डर हम डिफरेंट प्लेसेस में अप्लाई कर सकते हैं। ओके,